जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कर जोरों विनती ही करूं, चरण नवाऊं शेष, गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। गरीब बंदी जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज, यो पाई जियो जब लग तुमरा राज। कबीर गुरु बिन मा गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोबिंद दियो मिला। आज परम पिता परमात्मा सतपुरुष रूप साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की इस रजा हुई है कि आज ये चंद पुण्यात्मा, ये भक्तात्मा सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा के मैल को काटने के लिए, अंतःकरण की सफाई के लिए, आत्मा कल्याण के लिए इकट्ठे हो पाए। जैसा सभी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है, उससे भी भगवान वो जीव है जो कि सत्संग में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है, और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और काना पर कटाल जावांगे जो बात बताई जा से, तो फिर सत्संग में आओ से मत आओ लाभ नहीं। आज भगवान बंदी छोड़ महाराज की एक विशेष रजा गांव बिचपड़ी के ऊपर हो रही है, जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी सुत दारा और लक्ष्मी गर पापी का भी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है, जो अप्राप्ति है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भागाड़े जीवन होया कर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ आए हो, अपने काम को भी छोड़ आए हो, और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती है। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है, और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटन लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया,
आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया उस चोर ने, और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था। गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है, उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है, और दूसरों ने उसको पकड़ पकड़ के अच्छा पीटा पहला तो, फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उसको संगत से मिलाया, और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी ताई की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति ताई पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। एक समय की बात है, अब सत्संग ये नहीं होता कि आदमी आवर सुनकर चला जावे। अगर आप परमात्मा के बारे में जानकारी चाहते हो तो परमात्मा के बारे में जो आज सत्संग में बताया जाएगा वो सत्य होगा। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अपनी कमजोरी होगी। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, अरना तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दांगे फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र फिर वो सत्संग। हमने शुरू शुरू में देखा सत्संग किस भाव से किस ढंग से मिला कि पांच चार पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती, और भाई चार दो शब्द चार शब्द तू गाओगा, चार शब्द फलाना गाओगा, चार शब्द यू गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जाते और वो शब्द गाए जाते। शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है, और शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जाती है, वही प्रवचनों के माध्यम से बताई जाती है, परमात्मा के गुण गाए जाते। जैसे बिजली के बारे में जानकारी दी जाती है कि बिजली से सानी काटी जाती है जो कि बहुत मुश्किल होती है हाथ से काटनी, दूध बिलो देती है, और बिजली जो है ट्यूबवेल चला देती है किल्ले भर दे पानी के, दूध और आटा पीस देती है। इस प्रकार बिजली के गुण, यानी पंखा चला देती है, कूलर चला देती है, फैक्ट्रियों को भी बिजली चला देती है, मशीनों बड़ी बड़ियों को। तो ये बिजली के बारे में ज्ञान हुआ, ये बिजली के गुण का ज्ञान हुआ कि बिजली ये काम कराया करे। अब हम इसके ऊपर एक शब्द भी जोड़ सकते हैं बिजली की महिमा के ऊपर, कि तू पंखे चलाती है, तू दूध बिलोती है, तू बहुत शक्तिशाली है, और इसने सारी उम्र गाए जाओ, बिजली बहुत अच्छी है, बिजली पंखा चलाती है, बिजली न्यू करती है, पर बिजली कुछ नहीं करेगी फिर, क्योंकि हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको पाने का रास्ता नहीं ढूंढा। जैसे कनेक्शन ले ले चुप करके, भाई बिजली कितने लहर कैसे मिलती है, के खर्चा से उसका जमा करके फीस फार्म की, और ला के दस्तक कौवा के और जमा करा दे, समय आने पर वो आपका कनेक्शन दे जाएंगे टप देसी, और आपने लाभ मिल गया। जब तक कनेक्शन नहीं ले लोगे इस बिजली के, ते सारी उम्र गीत गाए जब आपको कोई कहीं भी और किसी समय पर भी प्राप्त हो जावे जब उसका असर कर जावे, और फिर वो नाम लेकर अपना आत्मा कल्याण करा लेगा। तो इसको कहते हैं सत्संग। एक समय की बात है, ध्यान तो सुनो बे, बोलो नहीं बोलो माए। अब सत्संग का असर कैसे हुआ करे, एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और उस इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपए नाम था, मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे उस पर 50,000 रुपए नाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था।
एक समय एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रहीस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात ने, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला भाई मैं ऐसे करूंगा, दन छपेसी जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख के आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे ठीक रात्रि के 12:30 एक बजे के आसपास और उस मंदिर के पास आ जाना उसके पीछे, वहां से फिर हम मैं बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है दन छिपेसी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में और क्या क्या हमने सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के। अब उसके पास 4-5 घंटे थे, 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे ताई 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय ने कहाँ व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50, 100, 200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे हैं। वो जाकर के वहां बैठ जाता है सबसे उत्तम समय समझ कर कि इस तरह बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पहचान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे, वो भी बैठ जाता है। अब देखो आग के ऊपर हाथ से जान के टिक जाओ और चाहे अनजाने में आग ना अपना काम जरूर करना होता है, इसी प्रकार सत्संग में चाहे को जानबूझ कहा जाइयो और चाहे अनजाने में भाई सत्संग ने अपना काम अवश्य करना। तो सत्संग में बताया गया कि यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही, यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही, यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे के साथ आव जात है, लोहे के साथ आव जात है, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। तीन लोक और भवन चतुर दस, तीन लोक और भवन चतुर दस, सब जग सौद आही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पंडा फूटे, यो दम टूटे पंडा फूटे, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दर गाम मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। जा दिन की मुहिड़
धरनी लाग जोदन की मोहे धरनी लाग लज्जा रे अकनाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही जा सतगुरु की मैं बलिहारी जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही कुल परिवार तेरा सकल कबीला कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही बांध पिंजरी आग धर लिया बांध पिंजरी आग धर लिया मरघट को ले जाए रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही अग्नि लगा दिया जद लंबा अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही वेद बांध फिर पंडित आए वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही नरसेती तू पसुआ कीज नरसेती तो पसुआ कीज गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही छप्पन भोग कहाँ मन बोरे छप्पन भोग कहाँ मन बोरे कोरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही प्रेत शलाप जाए बिराजे प्रेत शलाप जाए बिराजे पितरों पिंड वराई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही जय सतगुरु की बोर सराद खान को आए बोर सराद खान को आए काग वही कलमाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही जय सतगुरु की संगत करते जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाए रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही अमरपुरी पर आसन होते अमरपुरे पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही सुरत नरत मन पवन पियाना सुरत नरत मन पवन पियाना शब्दे शब्द समाई रे संतो यो सौदा फेर नाही यो सौदा फेर नाही रे संतो यो सौदा फेर नाही गरीब दास गलतान महल में गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फेर नाही
यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई सत साही। अभी आपने सुना ये बंदी छोड़ गरीब दास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं प्राप्त होगा, ये कोई बालका का खेल नहीं है कि तीसरे दिन आपको भगवान ये मनुष्य का शरीर दे देगा और आप ऐसे बर्बाद करके चले जाइयो बिना परमात्मा के नाम का। हम कैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे पशु और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। किसके अंदर? जो कि राम का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल दौड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चल रहे, आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तो, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तो, बाकी काम सारे बराबर हैं, चौथ कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, उंगना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस भोले भाले व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि वे दो घड़ी भगवान भी बजा कर और हल्के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया से वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आयो, अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं क्योंकि सैकड़ों गांवों के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और पर सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे, एक आदि नगरी होया करे, जैसे काशी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी, सतमार्ग पर लग जाने के बाद, सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा के पान में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लाग संतान नाल खिलौना, वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रगट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो उस आपके लिए बालक इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ना तो मनुष्य शरीर रहे और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा न्यूरांगे जैसे आज बैठे हैं, यानी अपने कमरे के अंदर मकाना में ये ठाठ रहेंगे और ये बच्चे रहेंगे, राम कदे जावा को नहीं, ऊपरले से मन तनो बेरा से के मरना से। पर जिस दिन सही नो दस जागी ना कहा तेरा दिन दरिया गया, डॉक्टर बता देंगे वही तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं से, पर गणित गणा तो महीना भी इस दिन पकड़ सकता है। उस दिन देखो उस भाई क्या के हाल होगा, ना तो उसने झूठ बोलना सुहावे, ना उसने दारू सुहावे, और ना उसने ताश खेलना अच्छा लगे, सबके में कड़वा नजर आवेगा और एक धुन बन जाएगी मेरा कीरा होगा। एक गांव के अंदर दो भाई थे, एक तो परमात्मा का नाम बचपन से लिया करता और बड्डा वो था चौधरी हो रहा था, नो बुलायो तो नाशकरण का सा है, हाँ इसने तो सत्यानाश करना काम का हाथ नहीं लाना, बैठा रहा भजन पर कुआं सत्संग में चाल जा से। एक बार क्या हुआ, वो काफी वृद्ध हो गया वो बड़ा भाई, और दोनों खाट पर लौट रहे, वो भी वृद्ध हो रहा जो भगत था, और उस बड़े वाले का बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर हो गया कि जैसा कि महीने 20 दिन का सू।
तो वो लोटा लोटा नोक रहे आर इब केरा होगा आगे कित जाना होगा। तो भगत था उसका भाई, उन्होंने बोला रहा बहुत वारी सोचिया थे, इब तो बहुत पछेत होगी बिरा, बखत तो सोचनी चाहिए थी केरा होगा और कहां जाऊंगा। नो बोला वाक्य नहीं खुली, इब कुछ ना पड़े। तो बात यह है कि हम जब समय होता है उस समय नहीं मानते। जैसे प्रहलाद कितना ध्यान से अपने पिताजी को समझावता है ना उसको कि पिताजी भगवान का नाम ले लो या दो दिन की चौदर सर दुर्गति हो जाएगी, वह बात माननी नहीं, बल्कि प्रहलाद गेला दुश्मनी मोल ले ली, तन मार दूंगा भगा दूंगा ठा कर न्यू कर दूंगा, सारे काम कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। अंत समय में जब खंबे का ताते खंबे का बांधन लग गया, जब परमात्मा प्रगट होकर के उस हरणा को उस राक्षस की गर्दन पकड़ ली और गोड्डा में घेर कर उसकी आतान काटने लग गया, जब हाथ जोड़ कर हरणा को उसने कहे भगवान मेरी जान बख्श दो, नो बोला बेटा इब तक गया उस समय, यो छोटा सा बच्चा तने कितना कहा करता और तरह एक नहीं लगी, पकड़ कर पा उसकी आंत काट कर भगा दिया एक लवे। तो यहां बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं हरणा को समझानी प्रहलाद पढ़ावे और भाई उधर विनाशा आन कई कौन छुटावे। जब बक्कल उतर ले है बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, आंख फूट जाती है, अदरंग मार जाता है, जब पड़े पड़े मुंह मगर जाग पड़े जाएंगे तोतला बोलिया जाएगा, जब कहां जाएगी वह अपलातुनी। तो संत ने कैसे भाई यहां पर यह शरीर इतना गंदा है, बीमारी से यू खत्म हो, आग ते यू जल जा, पानी में यू डूब कर मर जा, एक्सीडेंट में यू खत्म हो जा, फिर इसमें मरोड़ बाकी रहेगी। ये पांच तत्व का पुतला दो मुठी राख से या चैनिया की, जिसने यह राख ते दिखेगी तब वो तो अधीन हो जाएगा और भक्ति कर जाएगा दो दिन का खेल समझ के। अब आप रोजाना प्रतिदिन देखते हो कि एक्सीडेंट के अंदर, कल वो भक्त शाम फुला रहा था, नू कहता हमारे वहां सांपले के अंदर पड़ोस में एक दुकान है कपड़े की और उसकी लड़की ब्याह रखी है, उसकी लड़की और दो लड़के और वो बटे हु कार में जाओ थे, एक ट्रेलर के नीचे होता है ना टैंकर, ये बड़ा ट्राला सा हो सा जैसे मालगाड़ी के ऐसा ट्रक, उसका नीचे आ जाते हैं, चारों के चारों वहीं पर समाप्त हो जाते। अब विचार करियो पांच मिनट नोके उसके अरब पति थे, वह 80 लाख रुपए की तो उधार लोगों से लेने के लिए उगाई करने गए हुए थे, पेपर में भी आई थी नुके था। अब नू बताओ एक सेकंड पहले तो उनका जो है ना पंजा नहीं टिक रहा था, नू कर दूंगा फलाने पे लाऊ हूं दकड़े नू कर दूंगा है, वहां से कह लाख की तो उसके पास जो है ना ज्यादा कोठी और बिरानी ऐश्वर्य के साधन कितने जुगाड़ उसने जोड़ रखे थे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ईब कहां गए, वह आया था भगवान भजन खातर वो काम छोड़ दिया, डले डोण पे लाग गए। तो यहां बताया मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, ए बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, ए मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन ते, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे अत्र छड़को चारों ओरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे अत्र छड़को चारों ओरा रे, मानत नामन मोरा साधु, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, इस माया
का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जुड़ जुड़ धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ दुविधा दौर मत चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दौर मत चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग मैं करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग मैं करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन दौड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन दौड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक बोला रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन तोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन तोड़ा रे। सच साहिब अब ये बताया कि इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। भाई बिना भजन कुछ काम नहीं आवचे एतर छड़को चारों ओर। ये पांच तत्व का पुतला है। इसमें ये बहुत सुंदर लगा हमने और प्यारा भी बहुत लागे से। और कितने प्यारा लगता यो रोएगा नहीं। और इसका नोबिना बेरा यू है कै दिन का। और उसके बाद हमारी आंखियां का पट्टी बंद रही है कि हम भगवान के बारे में सोचते भी नहीं। जिस परमात्मा से जाकर फिर नजर मिलानी होगी और वो जानते ने पूछेगा कि भाई के कुमा के लिया। वहां पर इस जायदाद की औलाद की गिनती नहीं हुआ है। वह तो उसने दे रखी है। वहां गिनती होगी कि के काम करा था तेरे सारी जिंदगी में परमात्मा का नाम लिया या कोई सत्संग समागम किया। अगर ऐसा नहीं किया है तो चल भाई गधे की जुनी में और गधी की जुनी में। तो ये बताया कि इस काया के अंदर के सौदा भाई शब्द आप ध्यान से देख लियो। और सब न बेरा ऐसी बात नहीं है पर सत्संग के माध्यम से थोड़ी सी और चौंट बढ़ा कर। ये ऊपर दिखा है ना आपने बहुत गोरी है या काली या चामड़ी सी या सिर्फ इतनी है जितनी छलका प्याज के छलकिया के बीच में एक सफेद सी लकड़ा कांचड़ी सी उसकी जितनी मोटाई उस है इतनी या ऊपर सफेद पेंट सा कर रखा है या काला सा या गोरा जिसा भी उस है। और इसके अंदर केस है इस्लाम के भीतर में हार्ड मांस बस्टा थूक ढीढ़ बलगम और लहू ये इस शरीर के अंदर है जो हमने कितना प्यारा लागे। एक कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट के अंदर उसकी आंख सेंडरी बेचारे की को 5-10 फुट कमा गजारी के सरती और खून हुआ बया पड़ा कति न्यारा न्यारा उसका आंतड़ा लकड़े पड़े। तो वो सौदा देख कर एकदम जो है ना घृणा सी बनी कि देख यू के पड़ा से। पर उसी समय बेचारा आग बेटा यू तेरे अंदर भी हुए से घना बड़ा सौदा नहीं से। सिर्फ इस माटी से हमने एक राम नाम की कमाई और धन जो परमात्मा के
ऊपर जो धर्म करते हैं ये कमाई करनी है, और जो ये नहीं करता तो पशु के सम बताया है, पशु मर उसमें कोई अंतर नहीं है। बच्चों का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सूरी ठारा ठारा जा मैं एक कब्र में, और बांदरी भी कई जोटे मारा से, और कुत्ते और कुतिया बनकर सब अपने बच्चा नर पाल मारे थे ज्यादा प्रेम से, बांदरी अपने बच्चे ने छाती गलाए अंडे जाएगी, और जमा इतने नो नहीं देख लेगी या कूदन जोगी होगी गलियां पर कह डाला पर कह, इतना उससे एक पल दूर नहीं होती। और वो एक काम आम करें और मनुष्य को आवे, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो परमात्मा का नाम लेता है, सुथरे काम करता है, बीड़ी शराब मास्तमा कुछ हुंदा तक नहीं, वो तो है मनुष्य, बाकी शरीर का कोई अंतर नहीं हुंदा। आदमी वो भी कहलाते हैं जो कि डाके डालते हैं, सारा दिन खून खराबा करते हैं, बदमाशियां करते हैं और मांस खाते हैं, वो मनुष्य नहीं बताए संतों ने, वो तो पशु हैं। पिछले जन्म में कोई भेड़िया थे, अगले जन्म में और गधे की जूनी में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा समय परमात्मा ने हरेक को देता मौका मनुष्य जन्म का, जो इसको बर्बाद कर जाते हैं वो करते हैं बेचारे अज्ञानता के कारण, सत्संग ना मिलने की वजह से। और जो सत्संग में आ जाते हैं इस मनुष्य जन्म का सफल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सही रास्ता मिले पाशाह तो बहुत आसानी से काम बना। देखो गुरु से नाम ले ले, नाम लेकर काम अपना डिटका करे, जो पहले करा करते उस तो फालतू काम होगा, क्यों नाम लिए पाशाह आदि तो बीमारी कट जैसे, और बीड़ी शराब मास्तमा को छूटे पाशाह तो मैं निरोड़ हो जैसे इंसान, और फिर तो भक्ति करने जी कर ऐसा उसका, अब तो आदि आने तो होका भर ले, होका भरना चाला आग को ना फलाने के क्वाड खुटखुड़ा होगा, पहले तो दो बात लानी पड़ेंगी, फलाना राजी सह के काम आया था, बस थोड़ी सी आग लेनी थी, फिर उड़ाग दर के लिया होगा, अब मन ना छलगा फिर दूसरा का जागा है, चमस्या के अंदर आध घंटे थी फू फू आंख फुड़वा लेगा, उसका काम लग्या रहेगा पर राम नाम नहीं ले सकता। सारा दिन ताश खेले और दारू पीवे, और वो भी नो काम ना फुर्सत कौन है, भगवान के बदन की फुर्सत कौन, या फुर्सत जब लागेगी जब गदा बनकर बोरा दरा जागा कड़पे, फिर कति फुर्सत हो जाएगी, क्यों ना होगी, जब भी बोगरा हाथ मांग लेगा जब बैठा लेगा चार बेटा ले राम का नाम ही, अरे विराजी खुशी समय है, आज तो आधा काम भी नहीं रह रहा मनुष्य का, जो कि पहले क्या करते घाटा गया करते, दो दो महीने लाग जाते को 50 मन दाने के ऊपर, अरे दो है ना सांझ भी ना पकड़ दे, दो घंटे हम चार घंटे हम छह घंटे हम काट के घर ले आओ से, और दूध आटा पीसा करती बुढ़िया तड़के उठ जाती 4 बजे, 2 घंटे 3 घंटे जोटा मारती और फिर कसोला लेकर खेत में जाती और फिर सानी काटती, आधा काम भी नहीं दर आज के दिन। अगर भक्ति करने वाला होता है तो मैं जोटे मार सके बदन के, नाम लेकर महाराज गरीबदास जी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सारा दिन काम करो, काम करते करते भगवान बच सकते, जैसे छोरी जो है ना अपना स्वेटर बना करें और गीत भी गाए जाएंगी, गीत क्यों गावे, नाम भगवान का वजन गावे करे, और जैसे और भी बहुत करती कात क्या करती, जब भी नाम लिए जा स्वेटर बनती है जब भी, और कसोला बजाओ जब भी भगवान का भजन कर सकते हो। इस मन की आदत से बकवास सोचने की उसकी बजाय इसने नाम पलाए रखा है। अब हम जाते हैं पानी लेने जाओ सो, या खेत में बरोटा लेने के लिए जाते हो, घर तक लेगा बरोटा जड़ते जाओ चाहे 2 घंटे का रहा हो चाहे 1 घंटे का, उस नाम न जपता चला जा और सरपा बरोटा और भगवान बजता है। तो गरीबदास महाराज के बारे में आपको जानकारी देंगे, जाट थे छुड़ानी के और 2500 बीघे जमीन थी, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और भाई मुसलमान धर्म कड़े तो चल रहा था, और इनते के लाभ उसे, और फिर अपनी बताई कि हम कहां से आए थे, सतलोक से आकर के आपको मार्गदर्शन करने आए कि तुम अच्छी उपासना करते करते 4थे युग में धक्के खा रहे हो, अब तक समाधान नहीं हो पाया। इन्होंने बताया कि मेरे अनुसार तुम करके देखो, पहले तो अपने घर में सुख लो, और थारे घर में सुख हो जा सब क्या है, मतरे शरीर में भी सुख हो जाए तुमने भगवान मान लियो ना मत मानना। अब हमने परमात्मा की परिभाषा का भी दाम मेरा बेचारा ने भोले बाड़ा ने है किस तक में बेरो लाग गया उड़े लगे रहे, किसी ने कुछ बता दिया उसी अनुसार लगते रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको काफी कुछ बताने की। तो इस प्रकार
अब ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये कुछ भी सौदा नहीं है, अगर इससे राम नाम ले लेंगे तो ये सबसे कामयाब है। फिर ये नर नारायण शरीर कहलाया, नर यानी परमात्मा का स्वरूप ही है ये शरीर, अगर जिसने भक्ति कर ली, और भक्ति नहीं की तो पशु समान बताया इसको। अब इसी शब्द में आपने सुना कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, पर लोहे के साताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे ने गर्म करके उसी समय उसको तुरंत चोट मार देंगे तो उस लोहे का कुछ भी बना ले बढ़ सकता है, अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो सारे गण नजार ले उसका कुछ नहीं बनता। इसी प्रकार आपके हाथ से एक बार ये मनुष्य शरीर चला गया फिर पार तो भारा दुख होगा, फिर नहीं कुछ भी बन पाओगा। इस मनुष्य शरीर में हम जो चाहे सो कर सकते, और ये गया तेने सोचो लो के साथ आज आवश है, एक बार हाथ तो छुटार छुटा फिर तो गधे कुत्ते लक्ष 84 में चक्कर काटने आपने पड़ेंगे। अरे भी इसमें थोड़ा सा काम से बीड़ी शराब मांस तमाखू अपने दुश्मन समझने होंगे अगर कोई भक्ति करना चाहे सब, और राम भगवान भी भजे और बीड़ी शराब मांस तमाखू का प्रयोग करता है या सूंघता है तो वो भक्ति उसको कति लाभ नहीं मिलेगी, ये प्रमाण दे रखा गरीबदास। तो हमने प्रथम तो नाम नहीं लेना चाहते, और जहां वहां तक कति नहीं लेंगे जो बीड़ी शराब बंद करवादा हो, और जहां कित क्या गाड़ नहीं उड़े टोल कट्ठे हो जाए देश का देश देश कट्ठे हो रो भाई देखो शास्त्र प्रमाण जैसे हमने थोड़ी सी भी असावधानी नुकसान कर जाया करे। जिस प्रकार बिजली के गुण बता दिए और फिर जो बता दिया कि नंगे तार का हाथ ना लाइए, और वो फिर भी लावे है तो वो खत्म भी उसको बढ़ा कर मार देगी, वह लाड भी के में ना कराया करे। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में जरा सी असावधानी आपको सत्यानाश कर देगी आपकी भक्ति का। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना भाई ठेस लगो तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। जिस प्रकार नदी से के अंदर गर्भ हुआ हो माँ का पेट में, और फिर वह कितनी सावधानी बरतती है उसके बारे में, ऊंचे नीचे पपा ना टिक जा, सोए जब भी मरोड़ी ना लाग जा, यानी कोई ईसा कारण ना हो जा कि मेरा गर्भ खराब हो जाए, मेरा बच्चा ना चला जा, इतना सावधान होकर के अगर भक्ति करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। अब बताया जाता है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, यो लोहे के साताव जात है काया देश राय। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तगने करे चौगने किने हूं मूल गवाई। अब देखो ये हम जहां यहां पर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, हम सौदा करण खातिर आए से भगवान से, जैसे समुद्र के सामंड का करड़ा होकर आज परमात्मा के नाम के ऊपर इतने भक्त आत्मा इकट्ठी करी और अपना सत्संग पाठ करवाया, परमात्मा की कथा करवाई, तो इब इसके दोगने तिगने चौगने शुरू हो जाएंगे इस मनुष्य शरीर के। इब तो पहले से इसने नाम भी ले रखा था, इसका वो नाम नहीं था जिस नाम से मुक्ति होया करे। अब कई भाई ये महसूस करते हैं कि भाई आप तो निंदा करते हो, अब निंदा किस लिए की जाती है, और निंदा तो हमने के फल मिला से। माली को पता होता है कि यो पौधा क्या का है, और अनजान आदमी उसको आम का पौधा समझ के कीकर बोए बैठा हो, और वो माली ने बता दे भाई कीकर आम तो सह को नहीं या सह कीकर है, फिर पछतावेगा आम का भरोसा ना बोई हूं, ठीक से कीकर वाला फल जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार गलत नामों से आपकी मुक्ति का साधन नहीं होगा, ना घर में सुख होगा, क्योंकि वो नाम वो जपन के नहीं से, वो बीज नहीं से जिससे आप जिस उम्मीद में आप उसको बोए बैठे हो, यानी नाम ले रखा। तो जब तक हम नाम सही नहीं बोवांगे, नाम बीज होता है, और बीज गलत बोलिया नो कह किम में बो दो उससे आम लाग जाएंगे, ऐसा कौन बेवकूफ सा भाई, आम का ही बीज बोना होगा तो आम लगेंगे, अर्थात वो नाम मिलेगा जो मुक्ति का है तो वो मुक्ति होगी, वो घबराई नहीं करा करते संत। हम किसी संत को बुरा बताते हो कि वो गंदा से नू से तो बुराई होती है, अगर उसका मार्ग गलत है तो वो गलत से वह बुराई नहीं से, वो तो शास्त्र पढ़ सकते हो आप देख सकते हो पढ़े लिखे आज कोई ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार तो कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौद आही, भाई दोगने तगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। मूल कहे मूल धन, जो पूंजी परमात्मा के घर ते लेकर आए थे, कईया ने तो वह भी खा ली, इससे बनाना चाहिए था घना धन और वह भी खत्म कर दी। ये मनुष्य शरीर
खोदिया से बांग के बाड़े तम्बे सुनती नहीं है छोरी, ये बूढ़ी बूढ़ी बैठी है ना, थोड़ी बोलो क्योंकि ध्यान तो सुनो थोड़ा, दो दिन का यू मुश्किल दो घंटे डेढ़ की बात और से, और घंटे देखे बस में भी खड़े हो जा करो, इतनी भीड़ और ऊपर पापा ठेकेदार नो धक्कम धक्का हो रहा गर्मी के महीने में, वो भी एक घंटे का सफर काटना पड़ जा करे, और यहाँ तो कोई सी दिक्कत भी नहीं है, ध्यान तो सुनो। और नो भी कहा कि जो सत्संग में आकर बात चलावे और उस अपराधी जीव ने तीन लोक नहीं छोड़े, परमात्मा के नाम में आकर भी अगर भीतरले में रोना नहीं आंदा, आत्मा में कसक नहीं बन रही कि काल तेरी दुर्गति होगी, कुत्ते कुतिया की जुनी में जाना पड़ेगा, या तो तुमने सोचे नहीं रही इतनी थरक जन्म या बैठा भी नहीं से कि हम पशु भी बन जाएंगे, वो चोर भी चोरी करने वाला नहीं मानता, उसने बहुत समझाया जाता है उसको कि भाई चोरी ना करिए पकड़ा जाएगा पट्टेगा तेरी सजा होगी, वो भी काना पे टाल जाया करे, अब देखी जाएगी फिर के देखी जाए, फिर तो खोसडे पड़ेंगे, काला मुंह करा जाएगा, दे घुसडा उड़ा गेर के उसका नान से छड़ेंगे और फिर पुलिस में देंगे और उसकी सजा होगी, फिर देखना के देखना, तो पहले उस सावधानी बरतनी चाहिए, उसका हमने छोड़ देना चाहिए बुराई वाले ने। तो इसी प्रकार आदु राम नाम नीलंदे जो बुराई करते हैं बीड़ी शराब मास्तवा को पीते हैं उनकी वह दुर्गति होगी जो संता ने लिख रखी है, उसने कोई मेटनिया नहीं से, हम अपनी होशियारी में अपने अभिमान वस्ते कति ना माना वो अलग चीज से, पर समय आओगा जो सारे काम बनेंगे। तो इस प्रकार सत्संग में आकर के ध्यान तो सुने, रोज रोज नहीं हुआ करती है मौज, कोई सूत बैठिया भगवान का बंदी छोड़ की रजा हो रही। तो फिर कहें कि उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरे जम पकड़ेंगे भाई, यो दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माई, ये तो सपना सा होगा, आप रोज सुनते हो फलाना मर गया, हाँ मर गया भाई, बीमार सा हो गया था, देख गोशे और दो घड़ी फॉर्मेलिटी उसके बारे में आगे बैठ कर चाल भाई कर ले धंधा, तो मर गया, और अपने बारे में कति नहीं सोचते हम भी चले जाएंगे इसी तरह, कौन साड़ा पटा लिखवा रखा है, सांस का भरोसा नहीं किस कारण से और कब खत्म हो जाएगा। तो इस बात को क्यों याद दिलाया जा सा बार बार कि यह सबसे जरूरी चीज से, गरीबदास जी महाराज कबीर साहब कहते हैं मौत बिसारी बावड़े इतने अतर्त कर दिया, कौन जो मौत को भूल चुका है वो बहुत मतलब घाटे में जान लाग रहा है, और जिसने 24 घंटे में दिखा है अकाल जाना पड़ जाए भाई, सांस का नहीं भरोसा होगा कि नहीं आओगा, वो भक्ति भी करेगा बुराइयां तय भी बचेगा और बीड़ी शराब तो उसने दुश्मन दिखाई देगी। तो ये सत्संग में जानकारी दी जाती है। फिर बताया कि वादन की मोर डरनी लागे लज्जा रैक नाही, अब बंदी छोड़ भगवान नो कहे कि भक्ति करते करते भी डर लगा है कि वहां इज्जत रहेगी कि नहीं, और जो ना करते हुए तो वहां नीचे बैठे। फिर बताया कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिजड़ी अगर लिया मरगट ने ले जाई, जब यू शरीर छूट जाएगा ना यू मुंह भाग पड़ेगा, जब नो कहेंगे ठाओ भाई थे चलो कट्ठे हो जाएंगे 10-20 पड़ोस के, पर ठा के बांध के इसकी पिंजरी और मरगट ने चालते हो लेंगे। फिर कहें कि अग्नि लगा दिया जब लंबा फूक दिया उस ठाई, इवनों के गति कराए उसकी, गरीबदास महाराज कहते हैं कि तो उसकी दुर्गति शुरू होगी, नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग काम बन बोरे की तो कुरड़ी चुरने जाई, एक तो अच्छा मक्खन खावे हैं, तीन तीन बार जो है ना सब्जी बना लेते हैं, दूध भी पी ले हैं, शराब भी पीवे से निकम्मी ढंगते और हुक्का तमाखू खूब कर लाकर चौधरते हैं, फिर कौन रहे, तेनो के 56 भोग काम बन बोरे की तो कुरड़ी चुगने जाई, फिर क्या होगा कि प्रेत सला पर जा बिराजे पितरों पिंड फराई, फिर नो कहेंगे भाई थारा तो जो है ना घर में नुकसान हो सा, थारा बाप है ना वो भूत बन रहा से, और उसके पिंड भरवा दो हाँ, उसकी भूत जूनी छूट जाएगी, अरे भूत जूनी छूट भी गई चल बड़ी बात कर लो, पिंड प्रधान कराण ते तो गदा बन जाएगा होगी मुक्ति। महाराज ने कहे भूत जूनी छूट गई और पशु जूनी में आ गया तो के मुक्ति हुई, तो घर वाले नो काम ने छेद्या कर दा, इबकी तजा वाड़ में पड़ो हमने नाशे दो, फिर बनो चे कुत्ता चे गदा, इतनी मुक्ति करवाई हमने कि उसका पिंड भरवा दिए और भूत जूनी छूट गई। फिर कहते हैं कि बहर श्राद्ध खान कुआ काग बहे कलमाए, फिर हम बना रखे हाँ कि कनागत काट दे हाँ, अर्थ बाप ने मिल जाएंगे
श्राद काट देना, तेरे पिताजी ने सारे साल का सुख हो जाए, उन्हें जो पंडित जी खा जा और वो छक जा। पंडित नाम कोई जाति का नहीं है, ये भूल हमने कति कर रखी है कि जाति से कोई संपर्क संतों का नहीं है। जो जिसा कर्म आज कर रहा है वो वैसा उस समय की बात बताई गई है कि वो उसी जाति से कहलाता है। हमारे दादा गुरु जो है जाट थे छावले के, और चार विषय के आचार्य हो गए, उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है, और गोपालपुर में उनका आश्रम है, पंडित जी के नाम से वो जाने जाते हैं। मेरे गुरु जी खुद ब्राह्मण थे, यानी जो समाज की फीत से, पर वो अपने आप को पंडित नहीं कहा करते, वो संत कहा करते, वो विद्वान नहीं थे। विद्वान होना कोई जरूरी नहीं होता भक्ति के लिए, आत्मा का जो नाम से वो अंत बड़ा आदमी भी कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गुरुकुल के खानपुर जो है उसके अंदर एक जाट है, वो उसे गुरुकुल से रिटायर हुआ है, मतलब बहुत अच्छा विद्वान है, उसको भी पंडित जी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम जाति विशेष में नहीं जाना चाहिए। कई भाइनों का बाबा पंडिताई की बुराई करते हैं, पंडित की बुराई जरूर करें, जो पंडिताई करता है, जो उस कर्म को करता है, जो विद्वान है और फिर गुमराह करता है, वो पंडित निंदनीय भी है और सराहनीय नहीं है। तो उसके बारे में बताया है कि पंडित जी आए, जैसे कह देगा भाई इसका जो ना श्राद्ध काट दो, और फिर नो कहेंगे काग खा जाएगा ना ऊपर आकर, तो समझो तेरे पता ज्यादा मिल गए। यानी हमने आप अपने आप मानते हैं कि हमारे माता पिता जो से कौवे बन चुके हैं अरे वो, और कौवे एक दिन खा भी लेंगे श्राद्ध ने तो सारे साल के पेटा भर गया उनका, या झूठ से भाई, कति झूठ से। एक बार गरीबदास महाराज छुड़ानी के अंदर जाट थे, गरीबदास जी जाट हम जाति बता देते हैं, पर हम संतान जात नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई नो ना सोचे कि यू को मांगड़ियां खड़िया ना हो जा दौड़ बड़ा डमडमा दौड़ के चला गया हो। 2500 बीघे जमीन थी, और मारे कैसे तो मुजारे रहा करते, उसका 20-20 किला जो गाने तो या नहीं करते, ना वर्षा होया करती थी, इतने बड़े वो मतलब महाराज जी थे। पर उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसे ढंग तो नहीं रखा कि मैं किसी जाति संपर्क विशेष से रहता हूं। संतों का क्या जात की कोई फीत नहीं होती, यह तो हमने ला रखी से। तो एक वो महाराज जी सत्संग कराया करते, गांव के भी कई भगत शिष्य हो गए थे, एक भगत जी शिष्य भी हो गया, परंतु हमारे याकत जो पिछली रंग चढ़ रहा है बहुत वारी उतरे से, दो चार दिन वो सत्संग में नहीं आया भगत जी। पूछा काना ना आंदा भाई के बात, बदन ना आया, उन्होंने बोला जी बदन ना दे देंगे बात से मिलकर जा। तो भगत जी आया, मैं बोला भाई कई दिन हो गए कित रहा, अक महाराज जी आया कि कल तो मेरी माँ का श्राद्ध था, मैं जात को ना पा। अच्छा अर्जी तड़के कौन फिर और भी नहीं आऊं क्यों, तड़के मेरे बाबू का कनागत से। अच्छा भाई के करा करो कनागत में, के पंडित जी आवेगा और भोजन तैयार करेगा, और वो भोजन पा लेगा, कथा कह लेगा, फिर हम भोजन पावेंगे। ये हो जाएगा कि नू कहे हैं हमारे पिताजी को जो कि साल भर फिर भूख नहीं और मुक्त हो जाएगा बिलाच। भाई नो करिए कल पंडित जी रोटी राटी खा ले, अपना सारा काम कर ले, जब दो आदमी एक रोटी ले आइए। अब उस भगत जी ने सोचा कि महाराज जी खांदे होंगे इसलिए मंगाओ, सारा काम पंडित जी ने कर लिया, अपना खाना भी खा लिया और वो सब भोग भाग लगा लिया और सारी कथा लटोटर करके वो चला गया। जब एक लोटे में खीर 8-7 रोटी ले करके छालने में बांध कर, और वो भगत जी आ जाता है, गरीबदास जी अंदर आ गया, लो गुरु जी महाराज जी में भोजन ले आया, अका जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।